से भी मिल लेंगे और इस चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो और शेयर कीजिए। हम कक्षा 10 के विज्ञान चैप्टर 4 की बात कर रहे हैं, कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन क्या होते हैं और उसके यौगिक क्या होते हैं। कार्बन यौगिक होते हैं कुछ नहीं, कार्बन यही होते हैं कि जैसे हम जूते साई पिंगी आदि कार्बन यौगिक की। तो बात करते हैं इसके मेन टॉपिक्स की। इसके टॉपिक को समझा देता हूँ, ये पार्ट पूरा इन टॉपिकों के ऊपर ही है, तो इस टॉपिकों को याद करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो पहला टॉपिक होता है इसका कि कार्बन एवं सर्वतोमुखी तत्व हैं। मतलब कार्बन होता है वह एक सर्वतोमुखी तत्व है जो सभी जीवों एवं हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर आधारित हैं। मतलब कि जो कार्बन जीव सर्वतोमुखी तत्व होते हैं और जो हमारे जीव सभी जीव होते हैं उनके जीवों एवं हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं का आधार होता है। अब कार्बन की चतुसंयोजकता एवं संकलनात्मक प्रकृति के आकार का यह कोई यौगिक बनाता है। यानी कि जो कार्बन होते हैं वह चतुसंयोजकता यानी चार संयोजकताओं को मिलाकर संयोजकता कितने मिला होगी एवं संकलन प्रकृति के कारण ये कहीं यौगिक बनाता है। मतलब एक कहीं यौगिक बनाता है। ये अपने अपने बहिकोशों के पूर्ण रूप से भरने के लिए दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी में सहयोजकता आबंध बनाता है। मतलब जो कार्बन होते हैं वह अपने बहिकोशों को पूर्ण रूप यानी पूरी तरह यानी कि कंप्लीट बनने के लिए वह अपने बनने के लिए दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन साझेदारी में संयोजन आबंध बनाता है यानी उसके साथ जुड़ने वाले आबंध बनाता है। अब कार्बन अपने या दूसरे तत्व यानी जो कार्बन होते हैं वह अपने और दूसरे तत्व जैसे हाइड्रोजन रहा, ऑक्सीजन रहा, सल्फर रहा, नाइट्रोजन एवं क्लोरीन के सहसंयोजक आबंध बनाता है। मतलब कि जो कार्बन होते हैं वह अपने और दूसरे तत्व जैसे कार्बन ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन एवं क्लोरीन के संयोजन आबंध बनाता है। अब कार्बन ऐसे यौगिक भी बनाता है जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि या त्रि आबंध होते हैं।